रेवाड़ी शहर की प्रमुख कॉलोनी टीपी स्कीम 9 में सातवां श्री गणेश महोत्सव मनाने को लेकर शनिवार को विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा को अग्रवाल सभा के सचिव राजीव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कलश यात्रा महावीर नगर, टीपी स्कीम, गौतम नगर व सज्जन आदि कई कॉलोनियों से गुजरी। समिति के सदस्यों व महिलाओं ने जमकर नृत्य किया। समिति के प्रधान मुकेश अग्रवाल ने बताया कि कलश यात्रा गौतम नगर गली नंबर 2 स्थित विश्वनाथ शिव मंदिर से शुरू होकर विभिन्न कॉलोनियों से होकर आयोजन स्थल पर पहुंची। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पहुंचे। उन्होंने अपने कर कमलों से गणेश जी की प्रतिमा को पंडाल में स्थापित किया व माल्यार्पण किया। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता को ही सर्वोपरि माना। समिति के सदस्य योगेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार श्री गणेश प्रतिमा मिट्टी की जगह पीतल की मुरादाबाद से मंगवाई गई है। इसका श्रृंगार व छतर वृंदावन से मंगवाया गया है। इस गणेश महोत्सव में रविवार 8 सितंबर को प्रतिभा सम्मान समारोह व मेले का भी आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में बुधवार 11 सितंबर को कौन बनेगा भाग्यशाली धार्मिक क्विज प्रतियोगिता व 14 सितंबर को आयोजित डांडिया नाइट मुख्य आकर्षण होंगे। हमारे अतिथि जी को प्रतिचिन्ह दे रहे हैं। गणेश महोत्सव है और सब लोग जो हैं गणपति की पूजा कर रहे हैं और यहाँ की समिति ने ये फैसला लिया है कि जो मूर्ति है ये इन्होंने पीतल की बनवाई है, इसका विसर्जन नहीं करेंगे क्योंकि इसका विसर्जन करने से जो है पानी दूषित होता है और इसको जो है वो किसी एक मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी पहल है। और आप जानते हैं कि उसमें केमिकल होता है और केमिकल जो पानी अगर जवाहरलाल नेहरू के कनाल में आप डालेंगे उससे जो है पानी दूषित हो जाता है, और मैं समझता हूँ एक अच्छी पहल है। दूसरा, गणेश जी जो हैं आज यहाँ विराजमान हैं हमारे यहाँ, हर घर में गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो है स्थापना की जाती है और जहाँ गणेश जी और लक्ष्मी जी रहते हैं वहाँ सुख शांति समृद्धि और धन और दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। और सबसे पहले इसलिए पूजा की जाती है कि गणेश जी ने जो परिक्रमा की थी, जो पूरे देवताओं ने परिक्रमा की थी, उन्होंने अपने माता पिता शिव पार्वती जी की परिक्रमा करके और लोगों को ये संदेश दिया था कि दुनिया में कुछ नहीं है माँ बाप से बढ़कर। अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे तो गंगा नहा लो, चाहे आप गोदावरी में नहा लो, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। माँ बाप की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करें और इससे जब बड़ा बड़ा जाके पुण्य नहीं है। इसलिए एक संदेश है आम व्यक्ति के लिए कि अपने माँ बाप की सेवा करें तभी पुण्य मिलेगा। गणेश जी वही विराजमान होते हैं जहाँ पर माँ माता पिता की सेवा होती है। सर 9 तारीख को चिरंजी राव जी फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? मैंने अपील कर दी है सबको वोट देने के लिए और आप सब लोग को आपके माध्यम से रेवाड़ी वासियों को कहना चाहूँगा कल 10 बजे मेरे निवास स्थान से हम शुरू करेंगे और कल जाके नामांकन चिरंजीव जाओ जो है परसों 9 तारीख को जो है जाकर जो है अपना नामांकन भरेगा। सबका बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ, हमारी बहनों का भी जो है प्यार, मेरे बेटे चिरंजीव राव जो रेवाड़ी से दूसरी दफ़ा चुनाव लड़ेंगे उनको मिले, ये मैं आपके माध्यम से सबको प्रार्थना करता हूँ। गणपति बाबा। आज हमने श्री विश्वनाथ शिव मंदिर से अपनी यात्रा को प्रारंभ किया है। पहले वहाँ पर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद
उनको रथ में बैठाकर और रथ में भगवान जी के जो सारथी बने वो विनय मलिक जी हैं, जो उनके सारथी बनाकर रथ चलाकर लाए हैं। उसके साथ पूरे टिप्पी सुभाष नगर, टिप्पी स्कीम, गौतम नगर, चारों तरफ से कॉलोनियों में यात्रा घूमती हुई और टिप्पी स्कीम के पंडाल तक पहुंची है और यहां पर आकर भगवान श्री गणेश जी का विराजमान हुआ है। उसके बाद हमारे आज के जो मुख्य यजमान थे हैं जो वो है अनिल मित्तल जी और उनकी धर्मपत्नी अनिता मित्तल जी और उनके साथ हमारी समिति के उप प्रधान अनिल को सैनी जी और उनकी मिसिज सुमन सैनी जी ने भगवान की पूजा कराई और कलश की पूजा कराई और कलश पूजा कराने के बाद सभी लेडीज को कलश वितरित किए गए। उसके बाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये यात्रा कहाँ से कहाँ? ये यात्रा गौतम नगर विश्वनाथ मंदिर से शुरू होकर सारी कॉलोनियों में घूमते हुए हमारा पंडाल टिप्पी स्कीम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे लगा हुआ है, वहाँ पर स्थापित हुई है, वहाँ आए हैं। इस बार पीतल की मूर्ति का मेन लक्ष्य है पानी को बचाना है। हमारे देश में पानी की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर समस्या पैदा होने वाली है, इसलिए पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पानी को स्वच्छ ताकि हर आदमी को पीने के लिए पानी मिल सके, पानी गंदा ना हो, इस वजह से हमने ये मूर्ति पीतल की बनवाई है ताकि इसका हम विसर्जन नहीं करेंगे और अपने यहाँ वापस शिव मंदिर में इसकी स्थापित की जाएगी। योगेश जी, ये जो पीतल की मूर्ति है गणेश जी की, ये रेवाड़ी में तो मिलती नहीं है, कहाँ से लाए? ये मूर्ति रेवाड़ी में नहीं मिलती है और ये मूर्ति हमने मुरादाबाद से मंगवाई है और ये 51 किलो की मूर्ति है। यहाँ पे मूर्ति बनाने वाले हैं लेकिन जो कलाकारी, जो सुंदरता मुरादाबाद के कारीगरों के हाथ में है वो नहीं है। कितनी वजनी मूर्ति है ये? 51 किलो वजन है इसके अंदर और हमने इसका छत्र भी मंगवाया है वृंदावन से, ठाकुर जी के चरणों से। आज के मुख्य अतिथि? आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी, पूर्व हरियाणा सरकार। पूजन के हमारे मुख्य यजमान जो हैं वो हमारे अनिल मित्तल जी, उनकी धर्मपत्नी अनिता मित्तल जी, हमारे समिति के उप प्रधान अनिल सैनी जी, उनकी धर्मपत्नी सुमन चैन सैनी जी पूजन करा रहे हैं। कलश यात्रा जो शुभारंभ की, उनकी जो हमने हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ जो किया है, हमारे समाज के अग्रवाल समाज के सचिव श्री राजीव गोयल जी ने उनका शुभारंभ किया है।